स्वागत है गाइज आप सभी का आपके अपने चैनल पेट गुरु बिहार में। और भाई उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भाई बहुत अच्छे से होंगे और आपके जो भी भाई अपने परिंदे पाल रखे हैं भाई वो भी आपके बहुत अच्छे होंगे गाइज। तो भाई आज का जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद है भाई लोग वो ये है कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में भाई अपने कबूतरों को आप कैसे सुरक्षित रखें और कैसे भाई मरने से बचाएं। ठीक है भाई तो इसी के ऊपर होने वाला है गाइस। तो चलते हैं भाई वीडियो में। और भाई वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो जाके मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि मैं जब भी कोई इस तरह का वीडियो लाऊं आपको उसका भाई नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो अभी जो जैसे कि आप लोग जान रहे हो भाई अभी भाई गर्मी का मौसम चल रहा है और गाइस अभी गर्मी के वजह से भाई बहुत कबूतर भाई बीमार पड़ रहे हैं। तो भाई इससे बचाने के लिए आप क्या करें जिससे आपके कबूतर भाई एकदम इस गर्मी में भाई एकदम फिट एंड फाइन रहे और भाई वो इस गर्मी से बचे रहें। तो सबसे पहले भाई आपको करना क्या है ठीक है आप अपने दरवे में जो है भाई अपने दरवे में भाई वेंटिलेशन जो है जहाँ से हवा आर पार होती है वो आप कर लो गाइस। ठीक है सबसे पहला काम आपका यही है गाइस जहाँ से हवा आर पार आए और दूसरी तरफ से भाई हवा निकल जाए। इसलिए भाई कि कबूतर के दरवे में जो भाई गर्मी बनती है भाई उससे ही भाई कबूतर को भाई बहुत ज़्यादा भाई परेशानी होती है। ठीक है तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ भाई। और भाई उसको और साथ में अब बात करते हैं भाई मेडिसिन के बारे में इस गर्मी में अपने कबूतर को कौन सा मेडिसिन दे जिससे वो एकदम फिट रहे गाइस। ठीक है और मैं जो मेडिसिन बताने वाला हूँ गाइस ठीक है इससे आपके कबूतर में भाई ताकत लाएगा इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा और आपके कबूतर का पाचन शक्ति जो है भाई वो भी भाई मजबूत हो जाएगा जिससे आपके कबूतर भाई दाना अच्छे से खाएंगे और उसको पचा सकेंगे भाई और भाई आपके कबूतर बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है गाइस तो चलते हैं मेडिसिन की ओर। तो गाइस ये पहला मेडिसिन है गाइस न्यूरोकाइंड प्लस देख लीजिए भाई अच्छे से इसका दाम भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है सारा देख लीजिए आप तो भाई देख लिया आपने वैसे भाई ये देखिए ये भाई अगले महीने में ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है तो इसमें भाई थोड़ा ही सा बचा हुआ है जो कि मैं देख के आप ख़त्म कर दूंगा। इससे भाई आपके कबूतर में भाई बहुत ताकत मिलेगा इससे आपके कबूतरों को। ठीक है इम्यूनिटी पावर भाई बढ़ जाएगा आपके कबूतर के। ठीक है और दूसरा मेडिसिन मैं बता रहा हूँ भाई भाई दूसरा ये देख लीजिए आप नाम देख लीजिए भाई आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो और भाई जहाँ पे भाई जानवर और मुर्गी का दवाई मिलता है वहाँ जाके आप इसे ले सकते हो गाइस। ठीक है स्क्रीन शॉट आप ले सकते हो तो भाई आप लोगों ने नाम देख लिया होगा अब चलते हैं भाई इसको देना कैसे है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ देख लीजिए गाइस देख लीजिए इसमें स्मॉल चिक्स तो भाई ये देना कैसे मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा अभी। ठीक है पहले आप ये देख लो अच्छे से और इसका दाम भी मैं दिखा देता हूँ भाई तो गाइस आपने देख लिया भाई तो अब इसके डोजेज हैं कैसे आपको देना है गाइस। ठीक है तो भाई ये जो है आपको न्यूरोकाइंड ये आपको भाई सबसे पहले सुबह में गाइस सबसे पहले जब आप कबूतर खोलते हो भाई आपको अपने कबूतर को भाई रात के 8 बजे के बाद दरवे में आप पानी मत देना। ठीक है आपको रात में अपने दरवे में पानी नहीं रखना है। ठीक है और भाई सुबह जब अपने कबूतरों को भाई सुबह सुबह खोलते हो तो भाई इसका 1 लीटर पानी में इसका आपको 5 ml देना है गाइस इसका 1 लीटर पानी में 5 ml। ठीक है गाइस देख लो गाइस आप इसका 5 ml देना है गाइस। ठीक है
और उसके बाद भाई जब आप अपने कबूतरों को दोपहर या शाम में खोलते हो भाई, ठीक है, दोपहर में आपको ये देना है भाई, ये 1 लीटर पानी में आप 10 ml देना है आपको। मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, 1 लीटर पानी में 10 ml, ठीक है, वो सुबह और ये दोपहर, ठीक है, शाम को मत देना भाई, ये दोपहर में देना आपको, ठीक है। और भाई इसका रिजल्ट जो है आपको बस 2 से 3 दिनों में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपके कबूतर भाई सुस्त बैठे होंगे, जो कबूतर, तो जो भी कबूतर आपके सुस्त बैठे होंगे गाइस, तो देखोगे भाई वो 1 से 2 दिनों में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा गाइस कि भाई वो दाने भी अच्छे से खा रहे हैं, दाना भी उठा रहे हैं भाई, और अच्छे से भाई उड़ भी रहे हैं। और वो भाई जो कोने में जाके बैठ रहे थे, तो देखोगे गाइस वो एकदम भाई एकदम फिट हो जाएंगे, ठीक है। और भाई आप जैसे कि भाई जो कबूतर भाई सुस्त बैठ रहा है, ठीक है, और भाई वो दाना नहीं खा रहा है, ठीक है, ये भाई मेडिसिन जब आप चला दोगे, और भाई हाँ एक बार बात भाई, जब आप मेडिसिन ये चला रहे तो भाई ये 7 दिनों तक चलाओ, ठीक है, 7 दिनों तक भाई ये कोर्स होता है कोई भी मेडिसिन का भाई, 7 दिन तक आपको चलाना है गाइस, ठीक है। और भाई कबूतर जैसे सुस्त बैठ रहा है भाई, ठीक है, तो उसके लिए भाई ये है कि आप सुबह सुबह भाई अपने कबूतरों को बासी रोटी खिलाइए, ठीक है गाइस, सुबह सुबह भाई बासी रोटी अपने कबूतरों को खिलाना स्टार्ट कर दो। आपके कबूतर भाई देखोगे एकदम भाई, जो भी कबूतर सुस्त बैठ रहे हैं भाई, एकदम से भाई वो एकदम फुर्तीले हो जाएंगे गाइस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई कि आप लोग भाई वीडियो में मैंने जो भी बताया वो आप अच्छे से समझ गए होंगे गाइस, ठीक है। और भाई आप ये करके देखो, ठीक है, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा गाइस, ठीक है। और अगर आप कबूतर के बारे में कोई सा भी मेरे से जानकारी चाहते हो गाइस, या कोई सा बीमारी के ऊपर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हो, तो भाई इस वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ क्लिक करो, आप सीधे मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करो गाइस, ठीक है, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा गाइस, ठीक है, मैं आपको उसका सोल्यूशन भाई बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं गाइस, और फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक के लिए भाई बाय बाय। और कमेंट करके बताइएगा गाइस कि आपका आप लोगों का प्यार भाई कितना मिल रहा है, ये भी देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा भाई, और बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है गाइस।